अली प्रण, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है राजघाट पर। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना देशभक्ति का माहौल है। स्पेशली यहाँ पर प्रियंका गांधी जो कि 3 बजे से 8 बजे तक सत्याग्रह करेंगे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में कितना जोश है देख सकते हैं, खासतौर पर यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता। आइए इनसे बात करते हैं। ओवरऑल आप जो तिरंगा लहरा रहे हैं, क्या बात है कि इस वक्त सत्याग्रह हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे देश के माहौल? ये जो देश में एकता और अखंडता की तहजीब भारत है, न जात पात और से अलग हट के हम राष्ट्रहित का बात करते हैं। जो NRC लाया जा रहा है, हमारा देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो रामलीला मैदान से दो दो भाषण पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये रंगे बिल्ले का सरकार हमारे देश के भाईचारों को खत्म करना चाहता है। हम देश में एकता और अखंडता को बरकरार रखने में बिलीव करते हैं। हमें अपने कांग्रेस पे भरोसा है, देश पे भरोसा है। हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई हैं, हम भाईचारा का देश में। क्या कहना चाहेंगे जो आप भी कहें कि प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते, झूठ बोलने वालों को क्या कहेंगे आप? देख रहे हैं शुरू से झूठ बोलते आ रहे हैं। कब 15 लाख रुपया खाते में और NRC बिल लाके, GST लाके बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। देश की आर्थिक नीति पर प्रधानमंत्री नहीं बोला, 100 मिनट के भाषण पर प्याज और लहसुन के बारे में नहीं बोले, देश में बेरोजगारी के बारे में नहीं बोले। अपना वोट पाने के लिए कच्ची कॉलोनी का झूठा आश्वासन देकर लोगों को बहलाने का काम किए। ये झूठे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई हैं, हम नहीं बटेंगे, हम जुटेंगे कांग्रेस के साथ। अभी जिस तरह से स्टूडेंट्स और नौजवान एक ओपोजिशन में आए हैं, खासतौर पर मोदी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में सुनते हैं कि इस तरह का अटैक हुआ है MU जामिया और JNU पर, तो क्या कहेंगे इसको जब सुने तू? छात्र राष्ट्र की शक्ति होती है, आने वाले समय का वो भविष्य है। उनके साथ आज ऐसा शासन जो है, बहन बेटियों के साथ मारपीट अपने गुंडे पुलिस के द्वारा कराता है, इसके विरुद्ध में कांग्रेस है। हम उनके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं आज यहाँ पे बैठ के, और हम सत्य पे विश्वास करते हैं। इसीलिए गांधी के तहजीब को मानते हुए, गांधी का सत्याग्रह लाकर हम मांग कर रहे हैं कि हमारा युवा राष्ट्र का शक्ति है। ओके, आप बताइए जो आपका जो स्ट्रगल हो, स्टूडेंटों का स्ट्रगल कहीं ना कहीं अब दिखने लगा झारखंड पर, अभी कांग्रेस और JJM का सरकार बनने वाली है, क्या कहेंगे इसको? झारखंड में हमारा सरकार बन रहा है, NRC और CCA बिल के वजह से हमें युवाओं में एक जोश पैदा हुआ है। युवा खुल के अब पढ़े लिखे छात्र समझ गए कि ये झूठे का सरकार है, बहलाने फुसला के कितना दिन देश में हम भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा के, ये पूंजीपतियों की सरकार है, युवाओं की सरकार नहीं है, छात्रों की सरकार नहीं है, छात्र विरोधी सरकार है। JNU में सारे छात्रों का आंदोलन चला, उनके खिलाफ उनको महंगाई के चरम सीमा में लपेटा गया, और आंदोलन इस देश में करना भी पाप है, अपने बात को रखना भी पाप है। ऐसे निकम्मे सरकार को युवा ही खत्म करेंगे। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। क्या अपील करना चाहेंगे युवा से? युवा से ही कहते हैं, संघर्षों की साया में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, आपके साथ कांग्रेस है, अब भारत के कर्णधार हो, भारत को आगे बढ़ना है तो आपका सहयोग और साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समझ सकते हैं पुरजोश यहाँ पर देखा जा रहा है, जबरदस्त जोश देखा जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। इस वक्त सत्याग्रह यहाँ पर बैठी हुई है प्रियंका गांधी, जो कि 3 बजे से 8 बजे तक सत्याग्रह, यानी जो पूरा गांधी का जो देश उसके उसी की बदौलत यहाँ पर चल रहा है सत्याग्रह। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम।